बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी का ये खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब एफटीआर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स का सेकंड फेज आज से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे आप लोग अब पॉलिटी की जगह यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करोगे। शाम को 5 बजे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की जगह अब आप लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मिलेगा। रात को 8 बजे जो आपका शेड्यूल पहले फेज में था वही रहेगा, छत्तीसगढ़ के जीएस के क्वेश्चंस आप लोग रात को 8 बजे करोगे। तो अभी हम लोग नेशनल करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को शाम को 5 बजे मिल रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं, जितने भी इस साल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या एक्टिविटीज हुए हैं, उन सबके आधार पर हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि नेशनल करंट अफेयर को आप लोगों को बेहतर तरीके से रिवाइज करवाया जाए, जैसे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर करवाया गया है। ठीक है, तो जितने भी मेजर इवेंट्स या मेजर एक्टिविटीज सारी चीजों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया जाएगा, या न्यूली अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सबको भी कवर करवाने की कोशिश किया जाएगा। मेजर स्पोर्ट्स इवेंट उसको भी कवर करवाने की कोशिश किया जाएगा। इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट सबमिट्स होते हैं, चाहे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के सबमिट्स हो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सबमिट्स हो, उन सबको कवर करवाने की इस सीरीज में कोशिश किया जाएगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज जो इस नेशनल करंट अफेयर के सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो जम्मू और कश्मीर में जो विशेष प्रावधान था उसको खत्म करने के बाद जिस तरह से स्थिति बदली है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म किया गया है, उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि यहाँ से आपसे एक न एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं नए लोगों के लिए बोल देता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज अच्छे लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब खत्म किया गया। डेट मस्ट है, डेट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस देता था आर्टिकल 370, इसके प्रोविजंस को किस डेट पे खत्म किया गया, तो उस बात को आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। तो प्रश्न में आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त, 5 अगस्त, 4 अगस्त या फिर 7 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो 5 अगस्त होगा। ठीक है, राज्यसभा में एक प्रपोजल रखा गया, वहां पर राज्यसभा में एक राष्ट्रपति का ऑर्डर रखा गया, किसकी तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। वो ऑर्डर का नाम था दी कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। उसी के आधार पे जम्मू कश्मीर में दिए गए विशेष प्रावधानों को खत्म कर दिया गया था। तो याद, डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के सारे स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के ऑर्डर के प्रस्ताव को रखा गया, किसकी तरफ से रखा गया इस बात को ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से रखा गया। डेट याद रखिएगा और उसका नाम भी याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति ऑर्डर का नाम था उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। तो पहला प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2019। चलिए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2019 के बाद देश में अब केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों की संख्या कितनी हो गई है। 5 अगस्त 2019 को एक तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रखा गया था और एक बिल भी पास करवाया गया था। उस बिल का क्या नाम था, उस बिल का नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल 2019, यानी कि राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर का जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया तो भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में भी परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, देखिए जम्मू और कश्मीर की स्थिति बदलने से पहले भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी, 29, और भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 7। तो अब यहां पर जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तो 1 राज्य कम हो गए, तो राज्यों की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेश यहां 2 बढ़ गए, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल और आएगा, जो कि लाजमी सी बात है, सवाल आना चाहिए, दमन और द्वीप और इसके अलावा दादरा नागर हवेली को भी यहां पर मर्ज कर दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको जब मर्ज कर दिया गया है तो केंद्र शासित प्रदेशों की अब जो वर्तमान की संख्या हो जाएगी वो 8 हो जाएगी।
ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ गया, 7 से 9 हो गया, और एक दो दो को एक साथ मर्ज कर दिया जा रहा है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, तो अब इसकी संख्या 8 हो जाएगी उसको मर्ज कर देने के बाद। लेकिन 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 ये अस्तित्व में आएगा आपका 26 जनवरी 2020 से, अभी अस्तित्व में नहीं आया है, 26 जनवरी को आया है। और आप एग्जाम कब दोगे? 9 फरवरी को दोगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 9 फरवरी के दिन आप आंसर क्या लोगे? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित बनाए जाने के बाद भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे, तो उस स्थिति में आप वहां पर आंसर लोगे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे और 28 राज्य हो गए थे। ठीक है, तो यहां पर शायद मैं डाउट आप लोगों का क्लियर कर पाया हूंगा, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव से संबंधित। अगर ये भी नया चीज आया है तो इसको भी आप लोगों को अपडेटेड रहना होगा, और अगर अभी भी किसी तरह से डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक यहाँ पर ये सारी चीजें जो राज्य की वर्तमान स्थिति हो गई है जम्मू कश्मीर के बाद या फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव के बाद, वो शायद आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समझौते के बाद अनुच्छेद 35 ए को संविधान में जोड़ा गया था? जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अनुच्छेद के सारे प्रावधान को खत्म कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। तो जब सारे प्रावधान खत्म हो गए थे तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को जो स्पेशल पावर देता था आर्टिकल 35A, वो भी खत्म हो गया था। तो आर्टिकल 35A से रिलेटेड भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस समझौते के बाद अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन है दिल्ली समझौता, ऑप्शन बी है शिमला समझौता, ऑप्शन सी है जम्मू समझौता, या फिर ऑप्शन डी लाहौर समझौता। तो इस प्रश्न का सही जवाब बहुत सिंपल है, ये आपका ए जो ऑप्शन है दिल्ली समझौता, ये आपका सही है। दिल्ली समझौता हुआ था 1954 में, किसके किसके मध्य में हुआ था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच में 1954 में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, और उसी समझौते के तहत में अनुच्छेद 35A को जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। हाल ही में राष्ट्रपति आदेश के अनुसार अनुच्छेद 370 के किस खंड को छोड़कर बाकी सभी खंड को निरस्त किया गया है? ऑप्शन है खंड ए, ऑप्शन बी है खंड दो, खंड तीन, खंड चार। ठीक, तो अब यहां पर सबसे पहले ये बात आप लोगों को समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 में टोटल कितने खंड थे। तो आर्टिकल 370 में टोटल 3 खंड थे, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। पहला खंड वहां पर प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 से जुड़े प्रावधानों को खत्म करना है तो वहां के लेजिस्लेटिव के रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति ये फैसला ले सकते हैं, और दूसरा और तीसरे में बाकी प्रावधान जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड किया गया था। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के खंड एक यानी कि सेक्शन 1 का इस्तेमाल करके खंड 2 और खंड 3 के प्रावधानों को खत्म किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि खंड 1 को छोड़ दिया गया, यानी कि आर्टिकल 370 का खंड ए आज भी इफेक्टिव है, खंड 2 और खंड 3 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो खंड 1 आज भी बचा हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाले बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद किस दिवस को दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गया? ठीक है, अब प्रश्न का मतलब आप लोग समझ गए, तो यहाँ पर ऑप्शन में बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 2019, 10 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 या 26 नवंबर 2019। देखिए जम्मू कश्मीर जो से संबंधित जो भी बिल या फिर प्रस्ताव रखा गया राज्यसभा में, वो तो राष्ट्रपति का ऑर्डर था, 5 अगस्त से ही इफेक्टिव हो गया था, प्रोविजंस खत्म हो गए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक राज्य से तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश किस दिन अस्तित्व में आया, तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि जिस दिन से इफेक्टिव होता है वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आंसर होगा आपका 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। तो इस बात से कर आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। दो डेट याद रखना है आपको यहाँ पर, एक तो 5 अगस्त 2019 इस दिन राष्ट्रपति का ऑर्डर रिलीज करके 370 के प्रोविजंस को खत्म किया गया था। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में इसी दिन पेश किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर अस्तित्व में आ गया आपका जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2019। साथ में प्रश्न करते चलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितने में से कितना सही किया, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इस साल के जितने मेजर इवेंट्स हैं या फिर एक्टिविटीज हुई है वहां से प्रश्न आपसे बनेंगे, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्रावधान बदले गए हैं वहां से आपसे एक न एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर से ही संबंधित, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ठीक, अब जम्मू कश्मीर राज्य इफेक्टिव हो गया है और केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश उसी तरह से होगा जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है, यानी कि वहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगा दिल्ली की तरह। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा जैसे अभी वर्तमान समय में दादरा नगर हवेली है, दमन द्वीप है, तो उस तरह से आपका पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश होगा आपका लद्दाख भी। तो अब यहाँ पर आपको जो जवाब देना है वो ये देना है कि आप बताइए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला और नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने ऑप्शन ए है राधाकृष्ण माथुर, जीसी चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक या अनिरुद्ध सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और सत्यपाल मलिक इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उनकी जगह पे नियुक्त किया गया है जीसी चंद्र मुर्मू को, लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल होंगे और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जब अस्तित्व में आया तो जीसी चंद्र मुर्मू इसके पहले उपराज्यपाल हो जाते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आपका जो विधान परिषद वाला सवाल है, जब जम्मू कश्मीर अस्तित्व में था राज्य तो टोटल विधान परिषद कितने थे? 7 टोटल विधान परिषद आपके हो जाते हैं। और जब जम्मू कश्मीर राज्य अब अस्तित्व में रहा ही नहीं, तो यानी कि आपका जम्मू कश्मीर का जो विधान परिषद है वो भी खत्म हो गया। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 6। वर्तमान समय में भारत में विधान परिषदों की संख्या अब हो गई है 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। लेकिन वो जो वर्तमान में 6 विधान परिषद है वो कौन कौन से हैं, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है सही मिलान जोड़ी या फिर ऑप्शन में आपसे किस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए। तो जो अभी वर्तमान समय में विधान परिषद की स्थिति है वो इस प्रकार से है, आंध्र प्रदेश में आपका विधान परिषद है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और उत्तर प्रदेश में है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अलावा एक प्रस्ताव अभी उड़ीसा ने भी रखा है कि अपने राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए, अभी वो केंद्र सरकार के पास में पेंडिंग है। तो बस इतना फिलहाल याद रखिएगा, वर्तमान में विधान परिषद की संख्या 6 है, जम्मू कश्मीर में था तो 7 था, अब इसको खत्म कर दिया गया है, तो वर्तमान समय में तो विधान परिषद की संख्या 6, इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ही बनता है। वर्तमान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है लेह, ऑप्शन बी है कारगिल, ऑप्शन सी है बारामूला या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पर अब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो जिला बन गया है वो आपका लेह बन गया है। यानी कि अब इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए होगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो इससे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का सबसे बड़ा जिला था ना वो गुजरात का कच्छ जिला था, ठीक है, लेकिन अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लेह हिस्सा सबसे बड़ा होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है
वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो होगा आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा भी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, जम्मू कश्मीर तो पहला हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो होगा वो होगा आपका दूसरा लद्दाख। पहला जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, दूसरा केंद्र शासित सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा हो गया? लद्दाख। पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपके देश में जम्मू और कश्मीर है, और उसके बाद सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है। ठीक है ना? तो इस तरह से इन प्रश्नों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक न एक सवाल तो यहाँ से आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जम्मू और कश्मीर से संबंधित। इस प्रश्न के जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर जरूर दीजिएगा कि टोटल कितने में से कितना किया। अभी हमारे पास इस सेशन में लगभग 15 मिनट हुए हैं, तो कुछ हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेजर अपॉइंटमेंट्स जो इस साल भारत सरकार द्वारा किया गया है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। कुछ अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन मैं आज करवा देता हूँ, और कुछ अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में भी करवाऊंगा। तो यहाँ पर भी जितने अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको भी आप लोग ध्यान से करिएगा। तो जो पहला प्रश्न है, मेजर अपॉइंटमेंट जो हुआ है इस साल हाल ही में, किसी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 47th चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है जस्टिस बोबड़े, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, जस्टिस बोबड़े को इस साल भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। किनकी जगह पे अपॉइंट किया गया इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। और भारत के कौन से क्रम के ये मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, 63 वर्ष के हैं। और इनकी जो नियुक्ति हुई है किस डेट को हुई है इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 18 नवम्बर 2019 को इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल जो होगा 17 महीनों का होगा, और ये 23 अप्रैल 2021 तक भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश जब भी चेंज होते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इस तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जजों की संबंधित बात कर रहे हैं, तो एक बात यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में बदलाव किया गया था। तो टोटल जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या था 2009 के बाद, पहले 26 हुआ करता था मुख्य न्यायाधीश को लेकर, और 2009 के बाद से मुख्य न्यायाधीश को लेकर 31 हुआ करता था। और अभी हाल ही में इसमें 10% का इजाफा किया गया है भारत सरकार की तरफ से, यानी कि राष्ट्रपति की तरफ से। तो अभी वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 3 बढ़ाया गया है। तो अभी भारत में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसमें 3 में वृद्धि की गई है। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है अधिकतम 34 हो सकती है मुख्य न्यायाधीश मिलाकर। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है इस वर्ष। ठीक है, इस बात को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं अगर जजों की संख्या में वृद्धि की गई है तो। चलिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए, जो सेकंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपस हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किन्हें जो है मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत सरकार का। ऑप्शन है आपके सामने पीके मिश्रा, ऑप्शन बी है पीके सिन्हा, ऑप्शन सी है नृपेंद्र कुमार मिश्रा, या ऑप्शन डी है राजेंद्र कुमार। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्रमोद कुमार मिश्रा, यानी कि पीके मिश्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का कार्यभार संभाल लिया है, यानी कि उन्हें प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है पीके मिश्रा को, और इन्होंने जो जगह लिया है वो नृपेंद्र मिश्रा का लिया है। तो यहाँ पर सरनेम में कंफ्यूज मत होइएगा, पीके मिश्रा
जो वर्तमान में है और नृपेंद्र कुमार मिश्रा जो कि पूर्व में थे, दोनों मिश्रा है लेकिन नाम अलग अलग है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो ये जो हो जाएंगे आपके प्रधान सचिव वो हो जाएंगे प्रमोद कुमार मिश्रा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राकेश कुमार भदौरिया, ऑप्शन बी बीएस धनवा, ऑप्शन सी बिपिन रावत या फिर ऑप्शन डी एनसी सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, राकेश कुमार भदौरिया को हाल ही में भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किन की जगह पे नियुक्त किया गया इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बीएस धनवा की जगह पे इन्हें भारत सरकार का यानी कि भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है राकेश कुमार भदौरिया को। और इनका जो अपॉइंटमेंट है, इन्होंने जो पदभार अपना संभाला वो 30 सितंबर को इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, वायुसेना प्रमुख। और जब हम लोग प्रमुख की ही बात कर रहे हैं तो ये भी बात को समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है मनोज मुकुंद नरवाने को। तो ये भी ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। और किसकी जगह पे इनको अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? विपिन रावत की जगह। तो इस तरह से ना जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा और सिर्फ नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर नेशनल करेंट अफेयर और इंटरनेशनल करेंट अफेयर वाले में जो जो मेजर इवेंट्स या फिर मेजर एक्टिविटीज हुई है जहाँ से हर साल प्रश्न बनते हैं, उन्हीं सेक्शंस को यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से प्रैक्टिस करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने इन चीज़ों को पहले पढ़ लिया है, और बहुत सारे बच्चे पढ़े भी हैं पहले इन चीज़ों को, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी कम से कम जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उसको तो ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से कुछ 3-4 अपॉइंटमेंट्स के आज मैंने क्वेश्चंस करवाए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के करवाए, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो जैसे छत्तीसगढ़ वाला आपका इंपॉर्टेंट एक सेक्शन बनता था करंट अफेयर से रिलेटेड, आपका उसी तरह से नेशनल करंट अफेयर वाला भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। प्रैक्टिस करते चलिएगा, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने टोटल प्रश्न में से कितने प्रश्नों को सही किया है। टेलीग्राम पे 50 क्वेश्चंस के सेट आप लोगों को डेली दिया जा रहा है संडे छोड़कर, तो वहां पर आप लोग 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते चलिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक FTR मेगा टेस्ट से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो FTR मेगा टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लें, एक बेहतर अवसर है यहाँ पर अपनी स्थिति को जांचने का। तो वेबसाइट विजिट करें और FTR मेगा टेस्ट जो कि बिल्कुल मुफ्त है उसको, जो 2 फरवरी 2020 को होने वाला है, उससे आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।